कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। आज अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव के उपलक्ष में हम श्री चैतन्य चरितामृत से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन श्लोकों में अद्वैताचार्य का गुणगान करते हैं वो श्लोक का पाठ करेंगे और बीच बीच में कुछ व्याख्या भी उसके ऊपर देने का प्रयास करेंगे। आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्वैताचार्य कौन हैं और उन्होंने चैतन्य लीला में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, इसके विषय में वर्णन किया है। तो मुख्य रूप से दो श्लोकों में उन्होंने अद्वैताचार्य के वो कौन हैं और उनके क्यों उनका नाम अद्वैताचार्य ये वर्णित किया है, ये दो श्लोक इस प्रकार से हैं और फिर आगे उन दो श्लोकों का वर्णन विवरण है। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यः सृजति अधः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अर्थ है महाविष्णु जगत्कर्ता। महाविष्णु जो हैं वो पूरे जगत के कर्ता हैं, इस पूरी सृष्टि को सृजित करने वाले हैं महाविष्णु। मायया यह सृजति अधः, जो अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत का सृजन करते हैं। तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः, और ये जो अद्वैताचार्य हैं ये महाविष्णु के अवतार हैं। फिर आगे कहा है अद्वैतम हरिणा द्वैतात आचार्यम भक्ति समसनात भक्तावतारम ईशमतम अद्वैताचार्यम आश्रये। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं अद्वैताचार्य का आश्रय लेता हूँ, जो अद्वैताचार्य हरिणा अद्वैतात, हरि से अभिन्न है, इसलिए उनका नाम है अद्वैता। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब जो अलग नहीं है, अद्वैत हरि से जो अलग नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत कहते हैं, क्योंकि वो महाविष्णु हैं इसलिए वो हरि ही हैं, इसलिए अद्वैत ये इंगित करता है। और आचार्यम भक्ति समसनात, और उनका नाम आचार्य क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति का प्रचार किया है अपने आचरण से और अपने व्याख्यान से, इसलिए उनका नाम आचार्य है। तो इसलिए दोनों मिलाकर के शब्द हुए अद्वैताचार्य। और भक्तावतारम ईशमतम, इस प्रकार से वो ईश्वर भी हैं और भक्त के अवतार भी हैं। जब भगवान अवतार के रूप भक्त के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको भक्तावतार कहते हैं। भगवान यानी अवतार हैं वो, यानी भगवान हैं, लेकिन उनका अवतार एक भक्त के रूप में है। तो इस प्रकार चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, वो तीनों भगवान हैं, हरि हैं, लेकिन वो एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। तो इसलिए भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्य आश्रय। तो अभी इन दो श्लोकों को विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं। महाविष्णु सृष्टि करेण जगत आदि कार्य तान्र अवतार साक्षात अद्वैता आचार्य। ये जगत की सृष्टि करने का कार्य महाविष्णु करते हैं और उनके साक्षात अवतार हैं अद्वैताचार्य। ये पुरुष सृष्टि स्थिति करेन मायया अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करेन लीलाया।
महाविष्णु जो है वो सबसे पहले पुरुष अवतार है। तो भगवान के वो अवतार जो इस जगत की सृष्टि करने के लिए भगवान जिन रूप को धारण करते हैं उनको पुरुष अवतार कहते हैं। तो सबसे पहले जो पुरुष अवतार हैं वो महाविष्णु हैं, उसके बाद में गर्भोदकाशायी विष्णु और शिरोदकाशायी विष्णु, ये और अन्य दो पुरुष अवतार हैं। तो इस प्रकार से तीन पुरुष अवतार हैं। तो जो अद्वैताचार्य हैं वो पहले पुरुष अवतार यानी महाविष्णु के एक रूप हैं, एक विस्तार है महाविष्णु के। तो इसलिए वो स्वयं महाविष्णु हैं। तो बार बार सृष्टि होती है, बार बार प्रलय होता है। भगवान जैसे कि भगवद गीता में बताते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार इस सृष्टि का सृजन करते हैं भगवान। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामी, प्रकृतिम स्वाम अवष्टाभ्यम, क्या है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामी पुनः पुनः। भगवान कहते हैं मैं अपनी इस प्रकृति में बार बार प्रविष्ट होकर के बार बार इस सृष्टि का सृजन करता हूँ। तो ये वो अवतार है भगवान का, कृष्ण का, महाविष्णु, जो यहाँ पर वर्णित हो रहा है भगवद्गीता में प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। ये प्रकृति जो है वो है माया शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, ये मेरी जो प्रकृति है उसमें मैं प्रविष्ट होकर के विसृजामी पुनः पुनः, मैं बार बार सृजन करता हूँ। तो हम सभी जीव जो भगवान से का प्रतिरोध करके, विद्रोह करके अलग होना चाहते थे, उनके लिए भगवान बार बार ये सृष्टि का सृजन करते हैं। तो सृष्टि का बार बार प्रलय सृजन क्यों होता है, क्योंकि सृष्टि भौतिक है, इसलिए भौतिक जगत में हर भौतिक तत्व का एक गुण होता है कि उसका एक आदि होता है, उसका एक अंत होता है। तो इसलिए भौतिक जगत का एक प्रारंभ होता है और एक अंत होता है। लेकिन जीव जो हैं वो बार बार भगवान से विद्रोह करके आते हैं, और जो जीव प्रलय के समय भी भगवान के भक्त नहीं बन पाए तो उनके लिए दोबारा से सृजन करना पड़ता है। तो इसलिए बार बार सृजन होता है, बार बार प्रलय होती है। तो जब सृजन करने का समय आता है तो भगवान ये पुरुष अवतार लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये महाविष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। महाविष्णु के रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो जो उनकी पूरी भौतिक प्रकृति है वो एक महत्तत्व, यानी कि जितना भी ये भौतिक जगत के अवयव है उसका जो आरंभिक रूप है ये महत्तत्व है। उस महत्तत्व के अंदर एक कारण समुद्र है जिसमें भगवान महाविष्णु उस के अंदर शयन करते हैं, और उनके रोम छिद्रों से जब भगवान श्वास निकालते हैं तब ये सभी अनगिनत ब्रह्मांड उस समय सृजित होते हैं। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, ये पुरुष सृष्टि स्थिति करेन मायाय अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करेन लीलाय। तो इस प्रकार से लीला में अनेक अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांड अपनी माया से वो सृष्टि करते हैं और उसका पालन करते हैं। तो जो महाविष्णु सबसे पहले एक एक ब्रह्मांड को बनाए, अलग अनगिनत ब्रह्मांडों को बनाए, और उसके बाद एक और विस्तार करके गर्भोदकाशायी विष्णु जिनको कहते हैं, भगवान एक एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं। और ये एक एक ब्रह्मांड यानी अंड एग की तरह से है, और उसमें आधा भाग जो है वो गर्भोदकाशायी विष्णु, जो गर्भ समुद्र है जो भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला पसीना है उससे भरा होता है, और उस सागर को गर्भक समुद्र कहते हैं। इसलिए उस सागर पे जो भगवान का रूप शयन करते हैं उनको गर्भोदकाशायी विष्णु कहते हैं। उदक मतलब समुद्र, गर्भ उदक गर्भ समुद्र, शयी मतलब शयन करने वाले, गर्भोदक शयी विष्णु, वो विष्णु जो गर्भ समुद्र पे शयन करते हैं एक एक ब्रह्मांड के अंदर। और फिर इस ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है एक एक ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि गर्भोदकाशायी विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, जिस कमल के ऊपर सबसे पहले जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और इस कमल के अंदर जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, समस्त एक एक ब्रह्मांड के अंदर जो लोक हैं वो सब लोकों का जो अवयव है रॉ मटेरियल वो सभी इसी कमल पुष्प की नाल में होता है, और ब्रह्मा जी उसी का उपयोग करके 14 भुवन बनाते हैं।
बाकी सारे जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उन सब का निर्माण ब्रह्मा जी आगे इस प्रकार से करते हैं, और इस कमल के अंदर सभी आत्माएं भी होती हैं जो प्रलय के समय में भगवान के शरीर में चली गई थी। अभी भगवान उनको फिर जब सृष्टि दोबारा से करते हैं तो इस प्रकार से जो भगवान के शरीर से ये उस कमल के अंदर प्रविष्ट करते हैं, और फिर ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करते हैं भगवान कि उन्होंने पिछले समय प्रलय में जहाँ जहाँ छोड़ा था, जितने जितने कर्मिक रिएक्शन के साथ वो वापस भगवान के शरीर में गए थे, उसी के अनुसार उनको ब्रह्मा जी एक एक शरीर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो कमल है ये पूरे एक ब्रह्मांड के सभी जीव और उनको जो शरीर मिलते हैं और जो सब लोक बनते हैं वो सबका ये उद्गम स्थान है, इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। फिर आगे समझाते हैं विश्वनाथ कविराज गोस्वामी, ये पुरुषेर अंश अद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेष ताम्रा नाही कविच्छेद। तो यही पुरुष के जो अंश हैं महाविष्णु के अंश अद्वैत, इनमें कोई भेद नहीं है इसलिए अद्वैत हैं। शरीर अलग है लेकिन अलग भेद कुछ नहीं है, तत्व तो एक ही है। सहाय करेन ताम्र लय प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करेन इच्छाए निर्माण। तो ये अद्वैताचार्य क्या करते हैं, ये महाविष्णु की मदद करते हैं प्रधान को संचारित करके और इस प्रकार से निर्माण करते हैं। तो इस सृष्टि के निर्माण में दो मुख्य कारण हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। दोनों ही कारण भगवान विष्णु हैं। महाविष्णु स्वयं अपना दृष्टिपात करते हैं, उससे वो निमित्त कारण होते हैं। निमित्त कारण अर्थात इच्छा शक्ति करते हैं भगवान कि ऐसा हो, निर्माण हो, वो निमित्त कारण। और उपादान कारण, उपादान कारण यानी कि जिसके माध्यम से ये भौतिक जो सब एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो इस पूरे एक एक रूप लेते हैं, डेवलप होते हैं और ये पूरा ब्रह्मांड बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो भगवान उपादान कारण के रूप में ये भौतिक तत्वों को संचारित करते हैं। जो हम भौतिक तत्वों में अलग अलग गुण देखते हैं, पानी बहता है, सबके अंदर जो गुण हैं वो भगवान की शक्ति के कारण ये तत्व इस प्रकार से गुण वाले होते हैं, जिससे कि उनके अंदर ये ब्रह्मांड इस प्रकार से मिल करके ब्रह्मांड बनता है। उसके बारे में आगे और चर्चा हम करेंगे। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यान्त्र नाम। तो ये अद्वैताचार्य जो हैं जगत के मंगल करने वाले हैं, मंगल गुण धाम, ये सभी मंगलकारी गुणों के धाम हैं, आगार हैं। मंगल चरित्र सदा, इनका चरित्र सदा मंगलकारी है, मंगल यान्त्र नाम, और जिनका नाम भी मंगलकारी है। तो अद्वैताचार्य सब तरह से मंगलकारी हैं। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार के रूप में ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, इस तरह से बड़ा मंगलकारी कार्य करते हैं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि का सृजन का हेतु है जीव जो भगवान को भूल गए हैं उनको एक और अवसर प्रदान करना कि वो दोबारा से भगवान का स्मरण करके, भक्त बनकर स्मरण करके वापस अपने धाम जा सकें। इसलिए ये ब्रह्मांड का सृजन भगवान की एक कृपा की अभिव्यक्ति है। तो भगवान दो प्रकार के कार्य इस ब्रह्मांड का सृजन करने से करते हैं, एक तो जीव जिनको इच्छा है भगवान से अलग होने की और कुछ अपना भोग करने की, उनको भगवान एक तरीके से ये अवसर भी प्रदान करते हैं, लेकिन साथ साथ ये ब्रह्मांड का मुख्य हेतु है कि इस प्रकार से जो जीव भगवान को भूल गए हैं अंततः वो जब विफल होंगे अपने प्रयासों में तब उनको एक पुनः अवसर प्रदान करने के लिए करना कि वो वापस भगवान का स्मरण कर सकें। तो इस प्रकार से जगत का सृजन करके अद्वैताचार्य महान मंगलमय कार्य करते हैं। हालांकि जो बद्ध जीव हैं उनके लिए ये जगत कष्टों का आगार है, लेकिन ये कष्ट भी एक तरीके से भगवान की कृपा है, क्योंकि इन कष्टों के कारण जीव अंततः अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ पाता है कि यहाँ मैं सुखी नहीं हो सकता। तो
तो इसलिए ये भी भगवान की कृपा है। मंगल गुणधाम, सभी गुणों के आगार हैं अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य जो हैं वो भक्त के रूप में आए हैं। भगवान महाविष्णु एक तरीके से मंगलमय कार्य किए सृष्टि का सृजन करके, उतना ही नहीं अभी फिर वो चैतन्य लीला में एक भक्त के रूप में आए हैं और अभी खुद पर्सनली प्रचार कर रहे हैं सबको, भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो वास्तव में ये जो भगवत भक्ति करना और भगवत भक्ति का प्रचार करना, यही संसार में एकमात्र मंगलमय कार्य है। अनेक लोग सामाजिक क्या बोलते हैं, वेलफेयर एक्टिविटी, समाज के लिए कल्याणकारी कार्य की बात, मानव सेवा की बात करते हैं, लेकिन अद्वैताचार्य वस्तुतः सबसे बड़े मानव समाज के कल्याण करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके सभी पार्षद, वो हैं एकमात्र जो सभी का मंगल कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों का मंगल किस में है। जो अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं हैं, जो खुद अज्ञानतम हैं, वो दूसरों का मंगल क्या करेंगे? उन्हें खुद अपना मंगल किस में यही नहीं पता है, वो दूसरों को क्या मंगल करेंगे? वो खुद अज्ञानता के सागर में डूब रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर में डूब रहे हैं, वो दूसरों का मंगल कैसे करेंगे? लेकिन अज्ञानतावश और दंभवश ऐसे बद्ध जीव अपने को दूसरे का मंगल करने वाले सोचते हैं, खुद तो गड्ढे में गिरते हैं, दूसरों को भी गड्ढे में गिरने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं। इसके विपरीत वास्तव में भगवान के जो भक्त हैं, जो अद्वैताचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस जगत में भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, वही वास्तव में परम मंगल करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। तो इस प्रकार हमें ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अगर किसी के जीवन में कुछ भी मंगल है तो भगवत भक्ति से ही होने वाला है। अगर भगवत भक्ति के रास्ते में कोई रुकावट है या कोई अन्य विचार है कि भौतिक दृष्टि से भक्ति करने में ये मुश्किल है, ऐसा कर लो, कुछ भी और विचार है, कोई भी और प्रयास है, यदि उससे भगवत भक्ति में रुकावट हो रही है तो वो कभी मंगलकारी नहीं हो सकता, भले ही पूरा संसार उसको मंगलकारी समझे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति अपनाता है तो उसके परिवारजन, सामुदायिक मित्र इत्यादि जो सामान्यतया भौतिकतावादी होते हैं, सोचते हैं कि ये भक्ति कर, जब से ये भक्ति शुरू हुई है तब से हमारे घर में सब अमंगल शुरू हो गया है, उनको ऐसे दिखता है, क्योंकि जो उनकी योजनाएं हैं भौतिकवादी वो टूटती हैं। और सभी लोग भी देखते हैं कि ये अभी भौतिकतावादी नहीं रह गया है, अभी हमारा मित्र नहीं रह गया, उसको छोड़ देते हैं, या उसको उनको लगता है कि अभी इसका क्या हो गया, उनको ऐसा लगता है इसे बर्बादी हो गई है। तो यही सत्य है कि भौतिकतावादी लोगों के जीवन में जो बर्बादी है, वो जिसको बर्बादी सोचते हैं भक्ति को, तो वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि भक्ति में और भौतिकतावाद में 180 डिग्री का अंतर है। तो लेकिन ऐसे पूरे संसार के कहने पर भी हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हाँ यह मंगलकारी है। अगर हमारे भक्ति को लेने से कोई परेशान हो रहा है, हमारे माता पिता दुखी हो रहे हैं, सगे संबंधी दुखी हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझना चाहिए कि हाँ हमारी भक्ति से वो दुखी हो रहे हैं। वस्तुतः भक्ति से दुखी होना वो उनका दुर्भाग्य है, दुखी नहीं हो रहे हैं अंततः। अगर दुखी उनको लग भी रहा है तो वो तो उनका उससे भी शुद्धिकरण हो रहा है, और वो उनकी दुर्भाग्यता है कि वो उसको दुख समझ रहे हैं। तो ये भक्ति, क्योंकि यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है भगवान की नित्य सेवा करना, तो इसमें कैसे किसी का नुकसान कैसे हो सकता है, कभी अमंगल कैसे हो सकता है कभी किसी का, और भक्ति के बिना किसी का मंगल कैसे हो सकता है? चाहे वो कितने भी भौतिक दृष्टि से हम अपनी प्लानिंग कर लें और भौतिक दृष्टि से हमें शुभ हो भी जाए, लेकिन वो सब शुभ नहीं है, क्योंकि वो हमारी जन्म मृत्यु की हथकड़ी को और बढ़ा रहा है, इसलिए वो कभी भी शुभ नहीं हो सकता। भक्ति के विरहित कुछ भी है वो अशुभ ही है। तो इसलिए अद्वैताचार्य जो हैं वो जगत मंगल हैं, जगत के मंगल करने वाले हैं। कोटियंश कोटि शक्ति कोटि अवतार एक लय सृजे पुरुष सकल संसार। तो महाविष्णु अलग 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 कोटि कोटि अवतारों, कोटि कोटि शक्ति के द्वारा इस सृजन करते हैं इस पूरे संसार का।
आप सोच सकते हैं कितनी महान है ना वो। इस सृष्टि को देख करके हम समझ सकते हैं कि सृष्टिकर्ता कितना महान होगा, कितनी विस्मयकारी ये सृष्टि है। तो इस सृष्टि को करने वाले कितने विस्मयकारी होंगे, वो हैं अद्वैताचार्य, कोई सामान्य पुरुष नहीं है। और उससे बड़ी महानता है कि वो एक सामान्य भक्त के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, हमें सिखाने के लिए हाथ पकड़ करके भक्ति कैसे की जाती है। ये उनकी करुणा की अभिव्यक्ति है। माया यैछे द्वि अंशे निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्वि मूर्ति होया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उदा उपादान लैया। तो जैसे कि जो बहिरंग शक्ति है उसके भी दो भाग होते हैं, एक निमित्त और एक उपादान। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी दो प्रकार से, दो रूप में इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, एक निमित्त बन करके और एक उपादान बन करके। आपने पुरुष विश्वर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान होय नारायण। जो विष्णु हैं वो खुद महाविष्णु के रूप में निमित्त कारण हैं और वही नारायण अद्वैताचार्य के रूप में उपादान कारण है। निमित्तांश करे थे नो माया ते ईक्षण, उपादान अद्वैत कारण करेण ब्रह्मांड सृजन। विष्णु महाविष्णु एक जब वो निमित्त कारण होते हैं तब वो माया पर दृष्टिपात करते हैं, तो इच्छा करते हैं और उससे वो इच्छा व्यक्त होती है दृष्टिपात के रूप में, उससे ये माया शक्ति जो है भगवान की वो एक्टिवेट होती है, वो संचारित होती है और शुरुआत होती है उससे उससे। तो ये हो गया निमित्त कारण। और अद्वैत के रूप में वही विष्णु ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। अभी एक एक तत्व, एक एक मटेरियल एलिमेंट्स जो भौतिक तत्व हैं उनके अंदर अलग अलग गुण प्रदान करना और उससे मिला करके पूरा सृजन करना, ये सब उपादान कारण है, ये सब अद्वैताचार्य करते हैं। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने, ईश्वरे शक्तिये तवे होए ते त निर्माणे। द लॉर्ड इन्फ्यूजेज द मेटल इन्ग्रीडियंट्स विद हिज ओन क्रिएटिव पोटेंसी, देन बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड क्रिएशन टेक्स प्लेस। भगवान ये जो भौतिक पदार्थ हैं उसमें अपनी क्रिया शक्ति संचारित करते हैं और फिर उस क्रिया शक्ति के प्रभाव से ये जगत का निर्माण होता है। तो अभी एक जिनकी बुद्धि बहुत विकसित नहीं है या जो भगवान से ईर्ष्या करने के कारण जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वो जब इस भौतिक जगत को देखते हैं तो उन्हें भौतिक पदार्थों में अनेक अनेक शक्तियां दिखाई देती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि भौतिक पदार्थ ही अपने आप में कॉज इफेक्ट, वो भी स्वयं ही है। यानी भौतिक जगत जो इफेक्ट जो में दिख रहा है बना हुआ सृजित, वो उसका कारण भी खुद मैटर है। यानी कि जड़ पदार्थ मैटर वो इटर्नल है, वो नित्य है। ये निरीश्वरवादी दर्शन है जो वैदिक समय में सांख्य कर्म मीमांसा अलग अलग दर्शनों के रूप में व्यक्त हुआ और आज आधुनिक समय में मॉडर्न साइंस के नाम से प्रचारित होता है। इस दर्शन के अनुसार ये जो भौतिक पदार्थ हैं ये अपने आप में नित्य हैं, ये हमेशा से यही रहे हैं, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और ये भौतिक पदार्थों के अंदर ऐसे गुण है जिससे अपने आप सृजन होता है, ऐसा निरीश्वरवादी दर्शन दार्शनिक लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो तत्व हैं इन तत्वों के अंदर अपने आप ऐसे गुण हैं जिससे ये गुण अपने आप से आगे भौतिक जगत का सृजन इससे होता है। जैसे डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी अगर हम देखें तो उसका भी यही सोच है कि पदार्थों में अपने आप ऐसे गुण हैं कि वो अपने आप एक निम्न योनि से एक उच्चतर योनि में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रारंभ में सृष्टि में एक सामान्य सिंगल सेल, एक छोटा सा कोशिका रही होगी और फिर उस कोशिका के अंदर और बाहर जो पदार्थ हैं उसमें ऐसे गुण हैं जिससे कि वो अपने आप धीरे 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 आज जितनी हम योनियां देखते हैं अलग अलग, मनुष्य भी हैं उसमें, बंदर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, ये सभी जो हैं उसी एक एक कोशिका वाले बिल्कुल सरल शरीर से
उत्पन्न हुए हैं अपने आप। इसमें कोई जड़ पदार्थों के ऊपर कोई एक नित्य आध्यात्मिक जैसी जो जड़ पदार्थ से अलग है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो जीवन के लक्षण इस भौतिक जगत में दिख रहे हैं वो जड़ पदार्थों का ही एक विशिष्ट गुण है, ऐसा निरीश्वरवादी दर्शन कहता है। तो लेकिन यहाँ पर हम अपने शास्त्रों से, भागवत से और वेदांत से, शास्त्रों के आधार पर ही नास्तिक निरीश्वरवादी धारणाएं भी रखी गई हैं, सांख्य, वैशेषिका, कर्म मीमांसा इत्यादि के रूप में। षट दर्शनों में से जो एक दर्शन है, ये छः के छः आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन मतलब अस्तिति, वेदों को जो प्रमाण मानते हैं इसलिए उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। लेकिन ये छः दर्शनों में से वेदांत वास्तविक शास्त्रों को दर्शाता है, क्योंकि खुद वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है और उसमें उन्होंने सभी अन्य दर्शन कैसे निरीश्वरवादी हैं और गलत हैं इसको बताया है। तो वेदांत दर्शन वो ये है कि अंततः महाविष्णु जो इस पूरे जगत के परे हैं, जो भौतिक जगत के तत्व नहीं है, जो जड़ पदार्थ नहीं है, उससे परे एक चैतन्य है, तो वो उनकी इच्छा से और उनकी शक्ति से भौतिक पदार्थ में शक्ति आती है, जिससे वो ऐसा लगता है कि अवशम ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे हम देखते हैं कोई भी मशीन होती है बड़ी ऑटोमेटिक होती है, जितनी ज़्यादा ऑटोमेटिक कोई मशीन होगी तो हमें समझ में आता है कि उसको बनाने वाला उतना ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति रहा होगा, वो इंजीनियर उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा होगा जितनी ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन होती है। अगर कोई ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन सोचे कि जितनी ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन है इसका मतलब इसको बनाने के लिए कोई आदमी नहीं चाहिए, वो मूर्खता होगी। जितनी मशीन ज़्यादा ऑटोमेटिक होगी वो यही इंगित करता है कि बनाने वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ना कि ये इंगित करता है कि इसके लिए कोई बनाने वाला नहीं चाहिए। क्योंकि जड़ पदार्थ कितना भी ऑटोमेटिक हो वो यही दर्शाता है कि इसके ऑटोमेटिक सिस्टम को क्रिएट करने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति है। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण अद्वैत अतैव अद्वैत हयन मुख्य कारण। अद्वैत के रूप में महाविष्णु ये तत्वों में शक्ति संचारित करते हैं जड़ पदार्थों में, इसलिए वो मुख्य कारण है। ये सृष्टि को सजन करने वाले मुख्य कारण इस प्रकार से अद्वैत आचार्य हैं। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांड करता और एक एक मूर्तिर ब्रह्मांड भरता। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य इस पूरे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कर्ता हैं और अलग अलग मूर्ति में परमात्मा के रूप में भरता है, इसके पालक कर्ता भी हैं इस ब्रह्मांड के, जो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक एक अणु परमाणु में भगवान परमात्मा के रूप में जो वास करते हैं वो इन्हीं का ही आगे विस्तार है। महाविष्णु अंश अद्वैत गुण धाम ईश्वर अभेद ते ही अद्वैत पूर्ण नाम। तो ये महाविष्णु के अंश हैं, अद्वैत गुणधाम हैं और ईश्वर के से अभिन्न हैं और इसलिए अद्वैत इनका पूरा नाम है। पूर्वे याचे कैल सर्व विश्वेर सृजन अवतारी कैल एह एवे भक्ति प्रवर्तन। जिन्होंने पहले पूरे विश्व का सृजन किया अभी वो अद्वैताचार्य के रूप में चैतन्य लीला में आकर के भक्ति का प्रवर्तन कर रहे हैं। जीवन स्तारिल कृष्ण भक्ति करिदान गीत भागवते कैल भक्तिर व्याख्यान। तो ये अद्वैताचार्य चैतन्य लीला में जीव का उद्धार करते हैं, कैसे कृष्ण भक्ति करिदान, कृष्ण भक्ति का दान देकर के सभी जीवों का उद्धार करते हैं। और ये दान कैसे देते हैं, गीता भागवत कैल भक्तिर व्याख्यान, गीता और भागवत का भक्तिमय व्याख्यान देकर, यानी वास्तविक जो उसका व्याख्यान है एज इट इज यथारूप, ऐसा व्याख्यान देकर के अद्वैताचार्य सभी जीवों का उद्धार करते हैं। भक्ति उपदेश विनु तांड्र नहीं कार्य अतैव नाम होइला अद्वैताचार्य। भक्ति उपदेश के अलावा उनका और कोई कार्य नहीं है, उनका जीवन का केंद्र है भक्ति का उपदेश देना, इसलिए उनका नाम है अद्वैत आचार्य। क्योंकि आचार्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आचिनोति यह शास्त्रार्थम
आचारे स्थापयति यः स्वयं आचरति यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचार्य शब्द का अर्थ होता है जो सभी शास्त्रों का अर्थ जानते हैं, आचिनोति यः शास्त्रार्थम, जानते हैं और समझाते हैं। आचारे स्थापयत्यतः, और दूसरों के आचरण में शास्त्रों के मर्म को स्थापित करते हैं, यानी कि कैसा आचरण होना चाहिए शास्त्र के शिक्षा के आधार पर वो स्थापित करते हैं। और तीसरा स्वयं आचरति, और स्वयं भी उसके अनुसार आचरण करते हैं, इनको आचार्य कहते हैं। तो इसलिए अद्वैत आचार्य अद्वैत हैं, भगवान हरि से अभिन्न हैं, और शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों का प्रचार करते हैं, शास्त्रों के प्रचार के आधार पर कैसा आचरण होता है वो सिखाते हैं, और खुद भी वैसा आचरण करते हैं। तो इसलिए अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में भक्ति करके हमको अपने आचरण से कैसे भक्ति करनी चाहिए वो सिखाते हैं। इस प्रकार से वो परफेक्ट आचार्य हैं, क्योंकि आचार्य जो आचरण भी करें और बताएं भी, तो इसलिए अद्वैत आचार्य उनका नाम है। वैश्वनेर गुरु तेनो जगतेर आर्ज, दुई नाम मिलने होइल अद्वैत आचार्य। तो इस प्रकार से दो शब्द मिला करके अद्वैताचार्य बना, पूरे जगत का निर्माण करने वाले भगवान से अभिन्न, और जो आचार्य का कार्य करते हैं इस जगत में, भक्ति स्थापित करते हैं, इसलिए अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ईश्वरेर अंशवर्य, तान्र तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। अद्वैताचार्य ईश्वर के महान अंश हैं, अंशवर्य, अंशों में श्रेष्ठ। तान्र तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य, उनका तत्व, उनके नाम, उनके गुण सभी आश्चर्यजनक हैं, कोई भी सामान्य नहीं है उसमें से, क्योंकि वो सभी भगवान तत्व, विष्णु तत्व के हैं। तो अद्वैताचार्य जो हैं वो भगवान के मुख्य अंग हैं। यानहार तुलसी जले यानहार हुंकारे स्वगण सहिते चैतन्य अवतारे। तो अद्वैताचार्य ने शालिग्राम शिला को गंगा जल और तुलसी पत्र अर्पित करके और प्रार्थना करके बुलाया, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में लेके आने वाले हैं, उनकी प्रार्थना से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। अनार्पित चरिम चिरात, जो बहुत समय से किसी अन्य अवतार ने नहीं दिया, भगवान के साथ अंतरंग संबंध का ज्ञान, रागानुगा भक्ति, ऐसी भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए अद्वैताचार्य के बुलाने पर। तो अद्वैताचार्य ने जब देखा कि इस पूरे भूमंडल पर अभी भगवान की भक्ति को स्थापित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े सब आसुरी भाव के, सब जन साधारण पूरा आसुरी हो गया है, भगवान से बिल्कुल विमुख हो गए हैं, तो उन्होंने भगवान का आह्वान किया कि अभी आप स्वयं आएंगे तो ही संभव है अभी इस जगत का कुछ उद्धार हो सके। तो ऐसी उनकी प्रार्थना से आकृष्ट होकर के चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। यानर द्वारा कैल प्रभु कीर्तन प्रचार, यानर द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। फिर अद्वैताचार्य के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन और प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं अलग अलग जगह अद्वैताचार्य कैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की सहायता कर रहे हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास कटवा में लेते हैं, तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनको कुछ ट्रिक करके शांतिपुर ले आते हैं, और शांतिपुर में गंगा को सोचते हैं मैं यमुना पे आ गया, और फिर वहाँ पर अद्वैताचार्य आते हैं
और फिर उनको अपने शांतिपुर में वहाँ घर ले जाते हैं, और वहाँ पर फिर सभी नवद्वीप के भक्तों को, शची माता वो सभी को बुलाते हैं, और फिर वहाँ पर शची माता उनको अनुमति देती हैं जाने की, और फिर वहाँ से फिर वो आगे पुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर ऐसे चैतन्य चैतन्य में हम देखते हैं अलग अलग जगह पर लीला। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको कीर्तन प्रचार में लगाया। आचार्य गोसानी चैतन्य रा मुख्य अंग आर एक अंग तांद्रा प्रभु नित्यानंद। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के दो मुख्य अंग हैं, कौन कौन से? एक अद्वैताचार्य और दूसरे नित्यानंद प्रभु, ये मुख्य अंग हैं चैतन्य महाप्रभु के। प्रभुर उपांग श्रीवासादि भक्तगण हस्तमुख नेत्र अंग चक्रादि अस्त्र सम। और जो उपांग हैं उनके चैतन्य महाप्रभु के, वो श्रीवास इत्यादि, तो जो पंच तत्व हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके दो मुख्य अंग अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, फिर गदाधर और श्रीवास, और अनेक अनेक फिर और भक्त वृंद, ये सब उनके उपांग हैं। ऐ सब लैया चैतन्य प्रभुर विहार ऐ सब लैया करे न वांछित प्रचार। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इन सब को लेकर, अपने सभी पार्षदों को लेकर, मुख्य अंग उपांगों को लेकर के, जो सभी भगवान के अस्त्र शस्त्र के समान है, जैसा कि भागवतम में भविष्यवाणी है कि भगवान जो है संगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने सभी संग उपांग सभी को लेकर के इस पूरे जगत को कृष्ण प्रेम में डुबोने के लिए कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होंगे। तो ये चैतन्य लीला अभी चल रही है, और हम लोग भी उसमें इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उसमें भाग ले रहे हैं। वर्तमान समय में चैतन्य लीला चल रही है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम तक पहुंची है, और हम भी इसमें भी भाग ले रहे हैं। तो उत्साहित होना चाहिए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। जो चैतन्य महाप्रभु की लीला, कृष्ण की वो लीला है ये, जिसमें कि भगवान अपना निकट, अपना अंतरंग संग, एक भगवान के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करना, वो तरीका हमको देते हैं, तो इस कलयुग में वो उपलब्ध होता है। तो इसलिए इसको बहुत उत्साह से हमें ग्रहण करना चाहिए, और इस आंदोलन में इसको समझ करके इस आंदोलन का भाग बनना चाहिए। केवल भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से मंदिर में आने से हम इस आंदोलन में के भागी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मंदिर में तो चींटियां भी हैं, कोड़े, बहुत सब कुछ हैं। तो केवल उनके मात्र शारीरिक रूप से यहाँ होने से वो लोग भाग पूरी तरह से नहीं लेते हैं, हालांकि कुछ हद तक तो वो ही भाग लेते हैं, क्योंकि जो भी भगवान का नाम सुनता है, सोते सोते भी प्रवचन सुनते हैं, तो उनको भी लाभ तो होता है कुछ, लेकिन अगर जग के सुनेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा लाभ होगा। तो उसी प्रकार से यदि हम पूरे समझ करके कि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन क्या है, कैसे हम उसमें भाग ले सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं हमसे, अद्वैताचार्य का क्या कार्य है, क्या उनका संदेश है, यदि ये चीज़ हम समझेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो कृपा हमको देने आए हैं उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसे समझेंगे? श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से समझेंगे, श्री प्रभुपाद की पुस्तकों के ऊपर अमल करने समझेंगे, पढ़ना भी है, उसके अनुसार जीने से भी हम साक्षात्कार करते हैं। तो ये चैतन्य चैतामृत में हम जैसे देख रहे हैं अद्वैताचार्य के विषय में बताया है, तो ऐसे ही अपार निधि है चैतन्य चैतामृत के अंदर, चैतन्य महाप्रभु की लीला का व्याख्यान है। तो विशेष रूप से ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हमारी संस्था है, उसमें कृष्ण भक्ति है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति बताई, वैसी जो विशेष इस कलयुग के लिए और महानतम रूप है कृष्ण भक्ति का, जो गोपिकाओं के पथ पर का पथ प्रदर्शन करते हुए वो भक्ति, परम भक्ति चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आकर के हमको सिखाते हैं। तो इसलिए हमें ये सभी ग्रंथों को कम से कम पढ़ना तो होगा,
पढ़ना से सब कुछ नहीं खत्म होता, पर कम से कम पढ़ना तो होगा, उसके बाद में उसको समझने का प्रश्न आता है, उसके ऊपर अमल करने का प्रश्न आता है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे या सुनेंगे ही नहीं तो फिर आगे की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए उसके लिए समय निकालिए, नियमित रूप से पढ़िए। और चैतन्य चेतामृत से पहले तो भागवतम है, और उससे पहले भगवद्गीता है, यानी कि एक आपको एक हर दिन का एक बांधना पड़ेगा, हर दिन एक पेज, हर दिन दो पेज, हर दिन तीन पेज, ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। यदा कदा पढ़ने से पूरा नहीं होगा, क्योंकि यदा कदा मतलब क्या होता है, बीच में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स में सब भौतिक चीज़ें आती हैं, उसमें समय नहीं मिलता है फिर। लेकिन नियम लेने से कुछ होगा। कई बार जब हम इतनी सारी पुस्तकें देखते हैं तो लगता है तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो कभी शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन अगर हम छोटा सा नियम लें, हर दिन दो प्रश्न पढ़ने हैं, तो दो प्रश्न तो लगता है, हाँ ये तो हो सकता है, इतनी सारी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, दो प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो माइंड ऐसे हमको चीट करता है, इतनी सारी पुस्तक ये तो कभी पढ़ ही नहीं सकते, छोड़ दो। लेकिन इसलिए हम माइंड को बोले नहीं, सारी पुस्तक नहीं पढ़नी है, बस दो ही पेज पढ़ने हैं, लेकिन हर रोज़ पढ़ने हैं। क्योंकि अगर एक दिन समय निकाल सकते हैं तो हर रोज़ निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए हर रोज़ पढ़ने हैं, तो हर रोज़ दो दो पेज पढ़िए, तो आप देखेंगे आप बड़ी आसानी से ये सब पुस्तकों को पढ़ पाएंगे। तो ऐसे कुछ नियम बनाना ज़रूरी है। तो आगे चलें। मुइये चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव समो नहे अन्यत्र आनंद। तो अभी तो अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के एक दास हैं और एक दास है नित्यानंदा। ये दास भाव में जितना आनंद है उतना और कहीं नहीं है। भगवान का दास होने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। भोग करने में आनंद नहीं है, विष है वो। तो भगवान के सेवक बनने में आनंद है, और भगवान के सेवक बनने में इतना आनंद है कि भगवान भी सेवक बनके उस आनंद का आस्वादन करने के लिए आ गए हैं। क्योंकि भगवान भगवान के रूप में वो भगवान की सेवा करने के आनंद को आस्वादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान अलग अलग रूपों में, उधर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी भगवान परम राधा रानी की सेवा का आस्वादन करने के लिए आते हैं सेवा भाव को, और अलग अलग रूपों में नित्यानंद प्रभु के रूप में, अद्वैताचार्य रूप में, अलग अलग प्रकार से भगवान वो सेवक के रूप में आते हैं। तो भगवान सबके स्वामी हैं, लेकिन भगवान स्वयं अपने अपने अवतारों में अपनी सेवा करने का आनंद भी आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती तेहो दास्य सुख मागे करिय मिनती। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी जो भगवान के हृदय पे वास करती हैं, वक्षस्थल पे, तो वो भी मिनती करती हैं, वो भी प्रार्थना करती हैं भगवान से कि भगवान हमें आपके वो रासलीला में जाने की प्रार्थना करते हैं। उस प्रकार से भगवान की सेवा जो बहुत अंतरंग सेवा है वो करने की प्रार्थना करते हैं। तो वो भी सेवा और सेवाओं में अंतरंग सेवाओं का आस्वादन करने के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान की। दास्य भावे आनंदित पारिषद गण विधि भव नारद आर शुक सनातन। तो दास्य भाव में आनंद विभोर हैं, आनंद में विभोर हैं कौन कौन, सभी पार्षद, भगवान के सभी पार्षद। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, भव शिवजी, नारद शुक, शुकदेव गोस्वामी, सनातन, ये सभी जो हैं दास भावना में परम आनंद का आस्वादन करते हैं। नित्यानंद अवधूत सबारे सबाते आगल, और ये दास भावना में नित्यानंद सबसे आगे हैं। चैतन्य र दास्य प्रेम होइला पागल, ये तो पागल ही हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु के दास भाव में। तो हमारा मूवमेंट पागल होने के लिए है, इसलिए लोग अगर पागल, आपको सोचेंगे पागल हो गए हैं, सारे दिन हरे कृष्ण करते रहते हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर लोग को लगे पागल नहीं हमारे जैसे ही हैं तो समझ लीजिए गड़बड़ है। तो इसलिए वो हमारा सर्टिफिकेट है, यदि लोग हमें भगवान की सेवा करने के चक्कर में पागल समझें तो वो सर्टिफिकेट है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, उससे घबराइए मत। यदि संसार समाज हमको बहिष्कार करता है पागल समझ करके, तो सर्टिफिकेट है हमारा सही दिशा में जाने का। तो इसलिए हमें जो बाहर अन्य अभक्त लोग हैं उनके जैसा ना तो बनना है, ना तो उनके साथ
वो हमारी प्रशंसा करें, वो हमें अपना माने। अपना मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर चैतन्य महाप्रभु अपना नहीं मानेंगे हमको, दोनों में से एक चीज होनी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अभक्त हैं उनके साथ हम लोग उनको छोड़ के नहीं जा सकते, अभी इसी संसार में रह रहे हैं, तो क्या करें, उनके साथ हमारा संग करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, उनको ही पागल बनाना, बस केवल उसी उद्देश्य से हम उनका संग कर सकते हैं, बाकी उनके साथ रहने में हमें कोई रुचि नहीं है। और हमारा पागलों का अपना सोसाइटी हो, जहाँ पर हम लोग को इस पागलपन में कोई रुकावट नहीं पैदा करे, है ना, हम लोग पूरी तरह से अपने पागलपन को व्यक्त कर सकें और उसमें आनंद ले सकें, है ना। जैसे हमारे कृष्णा कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो बाहर के लोग तो पागल ही सोचते हैं, पागल हो गए सबके सब, एक घंटा हो गया अभी तक नाचे जा रहे तो वो बीच में आएंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, तो ठीक है वो बाहर रहे। ऐसा भी हमारा अपना कम्युनिटी होना चाहिए। ऑफकोर्स कभी कभी हम बाहर भी जाते हैं, कभी कभी नहीं, काफ़ी जाते हैं, तो थोड़ा झलक दिखाने के लिए, तो उनमें से जो पुण्यशाली हैं वो हमारे पागलपन को देख करके आकर्षित हो सकते हैं, हम ज्वाइन कर सकते हैं पागल होने के लिए, तो उनको निमंत्रण देने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। पर हमारा अपना एक सोसाइटी कम्युनिटी हो, जिसमें हम भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करके, भगवान की सेवा करके, अलग अलग प्रकार से अर्च विग्रह सेवन, प्रचार इत्यादि के द्वारा हम इस रस आस्वादन कर सकें, दास्य रस का आस्वादन कर सकें। क्योंकि सभी रसों में आधारभूत है दास्य, वो कॉमन है, वो प्राथमिक है, उसी के आधार पर फिर आगे आगे जो रस, मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर ए सब पंडित लोक परम महत्व चैतन्य र दास्य सभाए करे उन्मत्त। ये श्रीवास, हरिदास, रामदास, मुरारी, मुकुंद, गदाधर, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर, ये सब समाज के अंदर बड़े पंडित माने जाते थे लोग सब, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दास्य भाव में ये भी सब उन्मत्त हो गए। सामान्यतः से समझा जाता है जो पागल है वो पंडित नहीं हो सकता, है ना, लेकिन ये लोग महान पंडित थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दास में पागल हो गए। यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु के सेवा में जो पागलपन है वो पंडित होने के बाद की स्टेज है। तो ये पागलपन भौतिक पागलपन नहीं है, ये आध्यात्मिक पागलपन है। तो इसलिए पांडित्य भी इसके आगे गौण है। यही मत गाय नाचे करे अट्टहास लोके उपदेश हो चैतन्य रदास। इस तरह से ये लोग सब पंडित हैं, लेकिन ये लोग भी सब मत होकर के गाते हैं, नाचते हैं और हंसते हंसते सबको बोलते हैं, उद्देश्य देते हैं, हो चैतन्य दास, तुम सब भी चैतन्य के दास बनो, ऐसे सबको बोलते हैं। चैतन्य गोसानी मोरे करे गुरु ज्ञान तथापि ह मोर हये दास अभिमान। अद्वैताचार्य कहते हैं, हालांकि चैतन्य गोसाई मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं तो उनको अपना दास ही मानता हूँ। ये और एक विशिष्टता है भक्ति में। यहाँ पर जो भी गुरु हैं, शिष्य हैं, सभी अंततः सेवा की भावना को अंगीकार करते हैं। कोई अपने को किसी का स्वामी नहीं मानता है, केवल भगवान ही सबके स्वामी हैं। और प्रेम अवस्था में भगवान भी अपने को स्वामी नहीं मानते हैं, वो अपने को भक्तों का दास मानते हैं। इसलिए पागलपन ही है पूरा, ये लॉजिक से यहाँ पर काम चलेगा नहीं ज़्यादा। तो अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और उनके दो शिष्य थे, ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य। और फिर ईश्वरपुरी के शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपने को उनको स्वीकार किया गुरु के रूप में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनको गुरु के समान आदर सम्मान देते थे, लेकिन अद्वैताचार्य अंतकरण में हमेशा अपने को उनका दास मानते थे, क्योंकि वास्तव में तत्व विचार में यही वास्तविकता है। अवतार गणेर भक्त भाव अधिकार भक्त भाव होते अधिक सुख नाम आर नाही आर। जितने भी अवतार हैं वो सब भक्ति भाव को लेके अंगीकार करके आते हैं, क्योंकि भक्ति भाव में भक्त भाव में
अधिक सुख होता है। मूल भक्त अवतार श्री संकर्षण, भक्त अवतार तानी अद्वैत गणना। तो सबसे जो मूल भक्त अवतार है वो है श्री संकर्षण। तो इस भौतिक जगत में जब भौतिक जगत का निर्माण, जब भगवान के जो चतुर्व्यूह विस्तार होते हैं उसमें संकर्षण एक चतुर्व्यूह विस्तार है, जिनके विस्तार है महाविष्णु। इसलिए महाविष्णु संकर्षण ये सब भगवान की सेवा के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए सब विस्तार लेते हैं। तो इसलिए संकर्षण जो है मूल भक्त अवतार हैं और फिर अद्वैताचार उन्हीं भक्त अवतारों में से एक हैं। अद्वैत आचार्य गोसानीर महिमा अपार यनहार हुंकारे कैलो चैतन्य अवतार। तो अद्वैताचार्य गोसाई की महिमा अपार है और उनके बुलाने से चैतन्य अवतार हुए। संकीर्तन प्रचार प्रचारिया सब जगत तारिला अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पैला। संकीर्तन का प्रचार करके पूरे जगत को उन्होंने उद्धार किया और अद्वैत प्रसाद से सभी को प्रेम धन, सभी लोगों ने प्रेम धन प्राप्त किया। अद्वैताचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।